वधदी महंगाई अते बेरोजगारी तो परेशान हन। दूजे पासे साढ़े अज दे हाकम साढ़े 7 साल सरकार चलाउन दे बाद भी अपनी गलतियां नू मन के उना वे सुधार करन दी बजाय लोकां दियां समस्यावां लई अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू नू जिम्मेदार ठहराउन विच लगे हन। नमस्कार, मैं रुचि, आपका स्वागत है जनसंदेश टाइम्स के साथ। देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी एंट्री हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अबोहर रैली से पहले उन्होंने वीडियो के जरिए केंद्र सरकार पर जमकर निशाने साधे। पूर्व पीएम ने कहा कि मोदी सरकार का राष्ट्रवाद नकली है, जो अंग्रेजों फूट डालो और राज करो की नीति पर चलता है। डॉक्टर सिंह ने केंद्र सरकार को चीन के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि 1 साल से चीनी फौज भारत की पवित्र जमीन पर बैठी है। इस सरकार को संविधान पर भरोसा नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा है। सरकार देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी फेल हुई है। तो जानते हैं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने अपने जारी किए वीडियो में क्या अहम बातें कही। उन्होंने बताया कि महंगाई से लोग कितना परेशान है। आज देश की स्थिति चिंताजनक है। कोरोना के दौर में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण एक तरफ अर्थव्यवस्था गिरी है, महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ 7 साल सरकार चलाने के बाद भी केंद्र सरकार गलतियों को नहीं मान रही। वह लोगों की समस्याओं के लिए पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रहे। आगे कहा कि मैंने कम बोला और ज्यादा काम किया। मैं मानता हूं कि पीएम के पद का एक खास महत्व होता है। इतिहास पर दोष लगाकर अपने गुनाह कम नहीं कर सकते। पीएम के तौर पर काम कर मैंने ज्यादा बोलने की जगह काम को तरजीह दी। हमने सियासी लाभ के लिए देश को नहीं बांटा, कभी सच पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यह भी बताया कि चीन की फौज पिछले 1 साल से हमारी पवित्र धरती पर बैठी है। इस मामले को दबाने की लगातार कोशिश की जा रही। पुराने दोस्त हमसे टूट रहे हैं, पड़ोसी देशों से भी हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सत्ताधारियों को समझ आ गया होगा कि जबरन गले लगने, घूमने या बिना बुलाए बिरयानी खाने पहुंचने से देश के रिश्ते नहीं सुधर सकते। सरकार को यह भी समझ लेना चाहिए कि अपनी सूरत बदलने से सीरत नहीं बदलती, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। वहीं पंजाब चुनाव को लेकर डॉक्टर सिंह ने कहा कि चुनावी माहौल में पंजाब की जनता के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, इनका मुकाबला ठीक तरीके से करना जरूरी है। कांग्रेस ही पंजाब में किसानों की खुशहाली और बेरोजगारी को दूर कर सकती है। पंजाब के वोटरों को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत आज एक ऐसे अहम मोड़ पर खड़ा है जहां मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर के भाई बहनों के साथ देश और राज्य के हालात के बारे में चर्चा करूं, लेकिन डॉक्टरों की सलाह की वजह से मुझे इस तरह संबोधित करना पड़ा। आगे कहा कि कुछ दिन पहले पंजाब की सुरक्षा के नाम पर पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी और यहां के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसे किसी भी तरह ठीक नहीं माना जा सकता। किसान आंदोलन के दौरान भी पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश की गई। जिन पंजाबियों को दिलेरी, बहादुरी, देशभक्ति और कुर्बानी को पूरी दुनिया सलाम करती है, उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। पंजाब की धरती पर पैदा हुए एक सच्चे देशवासी के नाते मुझे इससे बड़ा दुख हुआ। देश की आर्थिक व्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई आर्थिक समझ नहीं है। गलत नीतियों की वजह से देश आर्थिक मंदहाली की जकड़ में फंस गया है। किसान, व्यापारी, विद्यार्थी और औरतें परेशान हैं। देश के अन्नदाता दाने दाने को मोहताज हैं। देश में सामाजिक असमानता बढ़ गई है। लोगों पर कर्जा बढ़ रहा है और कमाई घट रही है। अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं। सरकार आंकड़ों के साथ धोखा कर सब कुछ ठीक बता रही है। सरकार की नीति और नियत में खोट है। फिलहाल सरकार अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांट रही है। उन्हें आपस में लड़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार बांटो और राज करो की राजनीति चल रही है। तो अब देखना यह होगा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के इस वीडियो का जनता पर कितना असर पड़ता है। ये तो आने वाले 10 मार्च को चुनावी नतीजों में पता चल जाएगा।
ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।